दोस्तों अगर आप ईशान किशन और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई को मिल चुका है मलिंगा से भी खतरनाक गेंदबाज। मलिंगा जैसे बाल पहनकर ईशान किशन ने कराई ऐसी खतरनाक बॉलिंग, किया मलिंगा के एक्शन को बखूबी कॉपी, जिसे देखकर मलिंगा क्या रोहित से लेकर हार्दिक पांड्या और मुंबई का पूरा खेमा पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे ईशान किशन ने मलिंगा बनकर के सबको खूब हंसाया, आखिर कैसे प्रैक्टिस सेशन में ईशान किशन का जलवा देखकर हर कोई रह गया दंग, उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने वाला? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया के त्योहार आईपीएल की शुरुआत में बस 6 दिन बचे हैं। इससे पहले आईपीएल की तमाम टीमें खिताब जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। सभी टीमों के प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुके हैं। अब इस बीच मुंबई इंडियंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें टीम के स्क्वाड विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन अपने बॉलिंग कोच लसित मलिंगा के एक्शन में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मलिंगा के अंदाज में गेंदबाजी कराई, उनका बॉलिंग देखकर हर कोई ठहाके लगाने कर हंसने को मजबूर हो गया है। जी हाँ, ईशान किशन पिछले 3 महीनों से बहुत चर्चा में बने हुए हैं। पहले उन्होंने मेंटल हेल्थ के चलते साउथ अफ्रीका दौरे से अपना नाम वापस लिया और फिर बीसीसीआई ने उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड की ही बातों को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। बीसीसीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया। बावजूद उसके किशन झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी खेले नहीं गए। ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन में सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनका क्रिकेट करियर उथल पुथल हो चुका है। लेकिन ईशान किशन को लगता है उसकी कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि आईपीएल शुरू होने ही एक बार फिर हर तरह ईशान किशन छा गए हैं। चारों तरफ उनकी चर्चे हैं। 22 मार्च से आईपीएल 2024 की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए मुंबई के सभी खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर पसीना बहाना शुरू किया है। किशन भी अपने साथियों से मिल चुके हैं। इस दरमियान वह बॉलिंग कोच और टीम के सबसे बड़े लेजेंड लसिन मलिंगा से भी मिलने जा पहुंचे। सबसे पहले तो उन्होंने मलिंगा जैसे ही हेयर स्टाइल वाली बालों को विग पहनी, वह भी नीले कलर की, जिससे वह पूरी तरह से मुंबई आर्मी के जवान लग रहे थे। फिर मलिंगा बनकर वह असली लसित मलिंगा के पास जाते हैं और उनसे एक उनके गेंद वाली एक्शन की नकल करने को बोलते हैं। किशन ने मलिंगा के हाथों में गेंद दी और बोला कि हम साथ में बॉलिंग करेंगे। मलिंगा भी यह देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले किशन को बॉलिंग करने दी और ईशान किशन ने बिल्कुल हूबहू मलिंगा के एक्शन की नकल करते हुए जिस तरीके से बॉलिंग कराई, वह देखकर पीछे खड़े लसित मलिंगा क्या वहां मौजूद मैनेजमेंट से लेकर हर एक खिलाड़ी पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो गया। सूर्या से लेकर पोलार्ड, हार्दिक से लेकर रोहित, कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। जिस तरीके से ईशान किशन ने मलिंगा बनकर सबका मनोरंजन किया, उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों वह सबकी आंखों के तारे हैं। तभी तो उनका यह खूबसूरत अंदाज हर किसी को इतना पसंद आया कि वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया में वायरल हो गया और लोग इस पर कई तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। कईयों को तो ये मानना है कि मुंबई को दूसरा मलिंगा मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, ईशान किशन, सूर्या और रोहित में कौन इस साल शतक लगा पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों छठवीं ट्रॉफी के लिए चेन्नई की टीम है तैयार। मैदान पर फिर से गुजरेगा माही का प्रहार। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 की तैयारी में चेन्नई की टीम लग चुकी है। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी के खेमे में कई बड़े सितारे हैं। इस दौरान इस आईपीएल के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। और इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने टीम के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया है। साथ में जूनियर रैना की भी टीम एंट्री करा दी है और एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसको देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार आईपीएल 2024 के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की टीम में कौन से बड़े बदलाव किए हैं, तो आपको बताएंगे ही। साथ में पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है आईपीएल का सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 को शुरू होने में मात्र 8 दिन से कम समय का वक्त बाकी रह गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 2 चरण में कार्यक्रम के ऐलान करने की घोषणा की है। ऐसे में पहले चरण के लिए 17 दिन में 21 मैच के कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। ऐसे में आईपीएल 2024 का ओपनिंग मैच 22 मार्च को होने वाला है, जो चेन्नई बनाम बेंगलुरु के बीच होगा। ऐसे में इस मैच के शुरू होने के साथ आईपीएल का रोमांच शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस मैच की तैयारी के लिए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंचकर बाकी खिलाड़ियों के साथ तैयारी में लग चुके हैं। तो दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ी भी तैयारी में लग गए हैं। लेकिन इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने इस आईपीएल 2024 के ओपनिंग मैच के लिए अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव करते हुए मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, जिसके चलते ओपनिंग मैच में भी जीत दर्ज कर सकती है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरव्यू के दौरान अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, जिन्होंने पिछले साल चेन्नई की टीम को चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ऐसे में एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में रचिन रवींद्र को मौका दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ड्वेन कॉनवे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान चोट के चलते मैच से बाहर हुए, तो ऐसे में अब उनका आईपीएल से बाहर होना भी कंफर्म हो गया। ऐसे में अब उनकी जगह पर रवींद्र को वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण ओपनिंग करने का मौका अब यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज में से एक अजिंक्य रहाणे को शामिल कर लिया है। अजिंक्य रहाणे ने पिछले सीजन में चेन्नई की टीम को मजबूती दिलाई थी। ऐसे में एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है।
हालांकि जिन खिलाड़ी अगर खराब प्रदर्शन करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी, समीर रिजवी को टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं जो मेरठ से आते हैं और यूपी की टीम के लिए खेलते हुए तूफानी प्रदर्शन कर बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बेहतर बल्लेबाजी करना जानते हैं। ऐसे में जूनियर रैना के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते इनका भी पदार्पण सीजन में हो सकता है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने चार नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए डैरिल मिचेल को शामिल किया है, जो अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ शानदार गेंदबाजी कर सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए उन्होंने मोइन अली को शामिल किया है, जो अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा भी इनके ऊपर दोनों के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी रहने वाली है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने छह नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को शामिल किया है, जो बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ शानदार गेंदबाजी भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए रवीन जडेजा को मौका दिया गया, जो बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बेहतर बल्लेबाजी कर टीम को मजबूती दिला सकते हैं। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने आठ नंबर पर बैटिंग करने के लिए अपने आप को शामिल किया है, जो टीम के कप्तान है। ऐसे में विकेट कीपर की भूमिका भी यही निभाएंगे। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर महेश को शामिल किया है, जो अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने तेज गेंदबाज के तौर पर दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे को शामिल किया, जहां पर ये तीनों गेंदबाज अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में 11 खिलाड़ियों के साथ महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को छठवीं बार चैंपियन बनाने उतरेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आरसीबी के खिलाफ चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 को शुरू होने में अब मात्र 10 दिन से भी कम का समय बाकी रह गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईपीएल 2024 के सभी मैच में कार्यक्रम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 के कार्यक्रम का ऐलान शुरुआती 17 दिन के लिए किया है, जहां 21 मैच के कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने के कारण कार्यक्रम के ऐलान करने में देरी हुई और दो हिस्सों में कार्यक्रम का ऐलान किया गया। ऐसे में आईपीएल 2024 का ओपनिंग मैच 22 मार्च को होने वाला है, जो चेन्नई बनाम बेंगलोर के बीच होगा। ऐसे में इस मैच के शुरू होने के साथ आईपीएल का रोमांच शुरू हो जाएगा और इस मैच के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग की जंग प्रारंभ हो जाएगी, जिसका ओपनिंग मैच विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के टीम के बीच खेला जाने वाला है। और तो आइए, इस ओपनिंग मैच के बारे में हम आपको आंकड़ों के साथ चर्चा इस वीडियो के अंदर करते हैं। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच आंकड़ों के बारे में बात करें तो चेन्नई और बेंगलोर के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं, जहां पर बेंगलोर की टीम ने मात्र 10 मैच में जीत हासिल की है, तो वहीं चेन्नई की टीम को 20 मैच में जीत मिली है। इसके अलावा एक मैच बेनतीजा साबित हुआ है। ऐसे में दोनों के बीच एक बार फिर से रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। तो वहीं दोनों टीम के बीच ओपनिंग मैच चेन्नई के घरेलू मैदान चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयारी में लगी हुई है। इस मैदान में आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस मैदान पर 76 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिसमें 46 मैच पहले बैटिंग करने वाली और 30 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। तो वहीं इस मैदान पर औसत स्कोर 164 रन का है। इसके अलावा इस मैदान पर बेंगलोर और चेन्नई के बीच 7 मैच खेले गए, जिसमें चेन्नई की टीम ने 6 मैच में जीत हासिल की है। वहीं सिर्फ एक मैच में बेंगलोर की टीम को जीत दर्ज करने का मौका मिला है। दोस्तों, बेंगलोर और चेन्नई के बीच रोमांचक मैच चेन्नई के घरेलू मैदान चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। इस मैदान की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस मैदान पर स्पिन गेंदबाजों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर गेंद काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से घूमती है और बल्लेबाजों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि तेज गेंदबाजों को भी यहां पर काफी ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि इस पिच की धीमी पिच के तौर पर इसको देखा जाता है। ऐसे में अगर बल्लेबाज मैदान पर समय बिताता है तो वो बड़ा स्कोर कर सकता है, लेकिन गेंदबाज का यहाँ पर दबदबा रहता है। इसके अलावा जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगा, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ज्यादा मैच जीते हैं। तो वहीं मैच वाले दिन मौसम साधारण रहने वाला है, ऐसे में मैच के दौरान बारिश की संभावना बिल्कुल ना के बराबर अब दिखाई दे रही है। दोस्तों, दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो चेन्नई की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र को खेलने का मौका मिलेगा। दोनों डिवॉन कॉनवे चोट के चलते बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे खेलते दिखाई देंगे, तो वहीं चार नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उतर सकते हैं। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे, डैरिल मिचेल, मोइन अली और रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया, जो बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिनर के तौर पर महेश तीक्ष्णा को खेलने का मौका मिलने वाला है। तो वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर को अब शामिल किया गया, जो बेहतर गेंदबाजी कर जीत दिला सकते हैं। तो वहीं बेंगलोर की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अब कप्तान फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली खेलते हुए पिछली बार की तरह दिखाई देंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कैमरॉन ग्रीन को शामिल किया गया, जो मुंबई से ट्रेड होकर आए हैं, जो बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा चार नंबर पर बल्लेबाज रजत पाटीदार को खेलने का मौका मिलेगा, तो वहीं पांच नंबर पर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक को खेलने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा छह नंबर पर ऑलराउंडर के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल को शामिल किया गया, जो बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिनर के तौर पर करण शर्मा और हिमांशु डगर को शामिल किया गया है।
और इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर अब आकाशदीप, अलजरी जोसेफ और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। ये अपनी गेंदबाजी से जीत दिला सकते हैं। दोस्तों, चेन्नई और बैंगलोर के बीच ओपनिंग मैच 22 मार्च को चेन्नई के चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से प्रारंभ होगा और इस दौरान 6 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि इस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी भी आयोजित होने वाली है। तो वहीं टॉस का समय 7:30 बजे का रहने वाला है। साथ में मैच 8 बजे से प्रारंभ होगा और इसका लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में जियो सिनेमा इसका मुफ्त में लाइव टेलीकास्ट करने वाला है, जिसका आनंद मुफ्त में आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चेन्नई और बैंगलोर के बीच इस मैच में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर